बीजेपी में शामिल हुए पहलवान योगेश्वर दत्त ने हरियाणा चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर के घर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल जैन से मुलाकात की। योगेश्वर दत्त ने R9 टीवी से खास बातचीत की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित की बात करते हैं और उनसे प्रभावित होकर ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो सुनवाते हैं। भारत के स्टार पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने आज बीजेपी का दामन थामा है और खुद योगेश्वर जी हमारे साथ हैं। योगेश्वर जी, बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या पार्टी की तरफ से आपको पार्टी से क्या उम्मीदें हैं और चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बना हूँ, उनका भी खुशी है क्योंकि पिछले 5 सालों में और अभी दूसरी बार सरकार बने को बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। एक बहुत पारदर्शिता, हर एक चीज़ में ईमानदारी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं काफ़ी सालों से फॉलो करता हूं, उनकी जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूं और उनको देखते हुए ये है कि अगर मैं राजनीति में तो बीजेपी हो। और आज मैंने ज्वाइन की है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने काफ़ी पारदर्शिता बरती है हर चीज़ में, सबको बहुत चीज़ें ऑनलाइन की हैं, कुछ भी लगे। और ये है कि अब पार्टी जो भी मेरे को जिम्मेदारी देगी मैं उसको अच्छी तरह निभाऊंगा। और मेरा ये है कि मैं जैसे कुश्ती में मैंने देश के लिए मेडल जीते, देश का नाम किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों के बीच में रहूँ और लोगों के जो काम हैं जो मेरे बस की वो काम करूँ, मैं लोगों की सेवा करूँ और देश को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तान की मदद करूँ। ये थे योगेश्वर दत्त, जिन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावित होने के बाद वो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और अब पार्टी जो भी उनको जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएंगे। दिल्ली से जयदीप राठी, R9 TV।